जो हमारी बोट थी वो पंचर हो गई थी। मेघालय की सबसे बेस्ट जगह मान लीजिए आप, ऊपर से पानी गिर रहा है ना, गारों में क्या बोलेंगे आप, अट्टी। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में प्लेस बागमारा, और फिर से स्वागत है आपका रीडिस्कवरिंग इंडिया ट्रिप के अंदर। लास्ट वीडियो से आपको मार्क भाई याद होंगे ना, तो आज मार्क भाई मुझे पूरे गारो हिल्स की वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जगह घुमाने लेके जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ का जो रास्ता है ना बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो तैयार है दादा? यस। कितना टाइम लग जाएगा पहुँचने में? 2 घंटा। तो अब इस बाइक को निकालते हैं और अब हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं वारीचोरा की तरफ की। मैं और मार्क भाई अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे लोग सुबह सुबह स्टिकी राइस खाते और साथ में छोले। भाई खाना कंप्लीट हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं आगे की हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। अभी मार्क भाई का एक दोस्त आने वाला था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, तो क्या करें, चले। और अब भाई वापस से हम बाइक के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं घूमना, क्योंकि वहाँ आगे का रास्ता बड़ा तगड़ा और बड़ा खराब होने वाला है। कल रात को बारिश भी हुई थी तो शायद और ज्यादा खराब होगा। आंटी बाय बाय, वारीचोरा बाय बाय। ये अभी तो रास्ता अच्छा चल रहा है, लेकिन एक गांव के बाद हमें लेफ्ट लेना है जो उस जगह के लिए वारीचोरा के लिए, वहां से रास्ते खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेघालय के गारो हिल्स का सफर। जहाँ से वारीचोरा का रास्ता अलग होता है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, खारुखोल पे पहुँच चुके हैं। ये वाला रास्ता चला गया बागमारा की तरफ, ये वाला आगे चला गया गुवाहाटी और शिलोंग की तरफ, ये जाएगा वारीचोरा की तरफ। ये है भाई कद्दू, और इधर ये शकरकंदी, और ये टमाटर है ना, टमाटर चेरी, ये चेरी टमाटर, और यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरीज ली थी, और वो खा रहे हैं। जो मार्क भाई हैं उनके भाई आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे। जो खराब रास्ता है ना वो स्टार्ट हो गया है। मेरे को कार्बी वाला रास्ता याद आ गया, लेकिन कार्बी वाला भाई इससे भी ज़्यादा ख़राब था। यहाँ पे एटलीस्ट बाइक आराम से चल तो रही है। यार इन जगहों के लिए ना बाइक से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कई जगहों पे मेरे को हिच हाइकिंग याद आती है, सच में बहुत ज़्यादा याद आती है। मस्त रास्ता है भाई, भाई इस खराब से रास्ते को चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और अब जो वारीचोरा की असली चढ़ाई है। कितना दूर हो रहा है अभी यहाँ से वारीचोरा? 1 किलोमीटर है। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे नीचे जाने में, और उसके बाद बोट लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये टी पॉइंट बना रखा है, और यहाँ पे भाई सब चाय वाय बेचते हैं, मस्त यहाँ पे चाय पिला दी, और अब हम ऊपर चलेंगे। वारीचोरा जो मेन अट्रैक्शन है उसके लिए अब 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग होने वाली है।
मार्क भाई अभी यहाँ पे अपना कितना लगा है पर पर्सन एंट्री में? हाँ मतलब जो लोकल है ना, हाँ लोकल का 20 रुपये लिया है। हाँ इसका उसके बाद आपका 100 रुपये। अच्छा लोकल के 20 रुपये जो इधर के गारो के हैं, लोकल के 20 रुपये और जो फिर आपका 50 रुपये ना कितना लिया है? पता नहीं यार, उन्होंने मेरे को 3 जनों का बिल दिया है 780, आई थिंक जिसके अंदर बोट वोट सब इंक्लूडेड है। बोट का सबके लिए सेम है? बोट के लिए 500। बोट के लिए 500 तीनों के लिए। और भाई यहाँ आते हैं 3-4 हरियाणवी लोंडे मिले हैं, मैं चक्कर में पड़ गया। मैं भाई हरियाणा वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये मिला कब था वारी चौरा? बहुत साल पहले मिला है, लेकिन फेमस कब हुआ फिर? फेमस तो ये लॉकडाउन में। लॉकडाउन में? और इधर जो गांव है इसका नाम क्या है? रेंगमा। ये पारोंगरे। पारोंगरे यहाँ पे भाई ने बोट रखी हुई है, वो बोट लेके जाएंगे। आपका नाम क्या है दादा? अंबर। अंबर नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। भाई आज के ट्रैकिंग की सबसे खतरनाक बात ये बताता हूँ कि हम सब आज चप्पलों में ट्रैकिंग कर रहे हैं और तो भैया कुछ दिन गारो हिल्स में भी गुजारो आप लोग। यार मार्क भाई बड़े गजब बंदे हैं। मार्क भाई मिठेला अब यार नीचे ऐसे जाना पड़ रहा है। अरे 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 गारो हिल्स थंबंग चीना। गारो हिल्स थंबंग चीना सही बोला क्या? ये सब रिसेंटली बिल हुए। भाई ना किसी को थाईलैंड जाने की जरूरत है, ना किसी को और कहीं जाने की जरूरत है, सीधे नॉर्थ ईस्ट आ जाओ बस। हुमस साथ में गर्मी। अरे 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 अब भाई इस बोट के अंदर हवा भरी जाएगी। कैसे हो यार? भाई बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया। पंगा पता है क्या हो गया था? जो हमारी बोट थी वो पंचर हो गई, और पंचर होने के बाद चीज़ें बहुत अपसाइड। भाई बहुत ठंडा पानी है यार। ये बैठ गया हूँ भाई मैं, और ये आ गया मार्क भाई। आप कहाँ बैठेंगे? अच्छा पीछे में। यार ये बड़े मस्त बंदे हैं। यार मैं भाई का नाम फिर से बोलिए। जस्टिन। हाँ भाई अब अंदर जाना स्टार्ट हो गई है। वारी चोरा द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन मेघालय। भाई खतरनाक भी हो यार, खतरनाक वाले मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बयां करूं। ऐसी जगह मैंने आज तक भाई खतरनाक जगह है ये। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी प्यारी होगी। मेघालय की सबसे बेस्ट जगह मान लीजिए आप। इतनी प्यारी जगह है यार, जन्नत है भाई, है जन्नत।
भाई बड़ी देर की मेहनत के बाद हम यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद जो यहाँ पे व्यू दिख रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने आज तक इस टाइप की चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। दोनों तरफ बड़े बड़े कैनियन और बीच से प्यारी सी नदी बहती हुई। और धीरे धीरे यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग आ रखे थे, उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है। यार ये जगह फेमस कैसे नहीं, इतनी खतरनाक जगह है यार ये। जस्टिन भाई कैसे हैं, ठीक है? भाई यार खतरनाक जगह है मार्क भाई। थैंक यू। आप पहली बार कब आए थे यहाँ पे? लास्ट ईयर का आया था मैंने। लास्ट ईयर? हाँ। आ जाना, पता नहीं फोगी हो गया। भाई कह रहे हैं भाई ने पहली बार फोगी देखा है। हाँ। बारिश हुई थी ना, तो शायद से जो धुंध वूंध वो नीचे तक आ गई है। आप ये सोचिए, अगर ये वो फोग में भी इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है, अगर फोगी नहीं होता और एकदम क्रिस्टल क्लियर अगर आप चीज़ देख रहे होते, कितना प्यारा लगता। यहाँ पे 11:30 बजे के अराउंड सनराइज़ होती है, क्योंकि दोनों तरफ कैनियन है ना, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। 10-15 मिनट के लिए सूरज आता है, और जब सूरज आता है ना, तब खतरनाक ब्यूटी हो जाती है इस जगह की। वो बोट वाले भाई साहब और आ गए हैं, और अभी नीचे 4 बंदे बचे हुए हैं। ये वाटरफॉल तो बहुत तेज होता होगा ना बारिश के टाइम पे। चले अंदर। चलो बोलो। ड्रोन फ्लाई की और कितना डर लग रहा था, इतनी ज़्यादा क्योंकि यार जगह बहुत ज़्यादा संकरी है, और कई जगह ऊपर से पानी भी गिर रहा। मैं यार आज तो ड्रोन जाएगी भाई, हर कोई मना कर रहा था कि भाई मत फ्लाई करो, अगर गिर गई तो गिर गई तो, लेकिन फाइनली ड्रोन सही रही और कुछ नहीं हुआ। जब हम आए थे तब दूसरी बोट थी, और जब जा रहे हैं अब की बार दूसरी बोट है। ये वाली बोट मेरे को ज़्यादा सही लग रही है, इस बोट में अलग टाइप की फीलिंग आ रही है भाई। पैर मैंने दोनों बाहर निकाल रखे हैं, और अपने सारे भाई लगे हुए हैं मस्त। थैंक यू मार्क भाई। वेलकम। भाई साहब खतरनाक भाई, थोड़ा आगे अगर हम जाएंगे तो वहां पे केव है, और उधर गिर रहा है वॉटरफॉल। खतरनाक सीन है यार, नेक्स्ट लेवल स्टफ। मजे आ गए भाई, ऊपर से पानी गिर रहा है ना, ठंड लग रही है यार, बहुत ठंडा पानी है। शायद हम हमारे आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए हैं, पानी बड़ा क्लियर है यार यहाँ पे। ऐसे एक्सपीरियंस है नहर आपको बार बार करने को नहीं मिलते हैं। बड़ा सही सीन था, बहुत सही सीन। आ गए भाई वो बोटिंग करके, भाई तगड़ा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे नदियों की क्लीननेस के बारे में बात कर लेनी चाहिए, हर नदी इतनी ज़्यादा साफ है यार। यहाँ से आप देखिए पूरा सब कुछ, नीचे सब कुछ दिख रहा है। अभी जिस जगह पे हम गए थे उस जगह का नाम वारीचोरा, तो वारीचोरा का जो सेंटर आप बता रहे थे लगभग 40 से 50 मीटर, सॉरी फीट डीप है। 45 फीट तक डीप है। 45 फीट? हाँ, बीच वाला है ना, 16। भाई बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। फिर तो टैंक लेके जाना पड़ेगा अंदर। हाँ, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं फिर यहाँ पे ठीक ठाक वाली। अब लेनी देनी स्टार्ट हुई, क्योंकि आते टाइम तो हम नीचे आ रहे थे,
अब ऊपर जाने की बारी आएगी यार। वापस आते टाइम लेनी देनी होगी, लेकिन जल्दी कर लिया मैंने, इतना टाइम नहीं लगाया जितना मैं सोच रहा था। सांस चढ़ गए बुरी तरीके से, बीच में बस दो बार रुका मैं। नीचे से ऊपर आके भाई अब एक चाय पी जस्टिन भाई ने और मार्क भाई ने, एक अंडा खाया। नीचे जाएंगे बाइक लेके और नीचे दबा के खाना खाएंगे ढंग से। हाँ चले यार, या भी खाना खा रहे हैं आप थोड़ा? अच्छा रोटी खा रहे हैं, क्या है ये सब्जी है क्या? तो एक मेरे को भी दे दो आप, नीचे जाके दूसरा खा लेंगे। इधर एक रोटी और सब्जी खा रहे हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। ऊपर से बाइक चला के नीचे आ गए हैं। रास्ते में वीडियो बनाने का भी वो था नहीं, क्योंकि सेम रास्ता था और ऐसा कुछ हैपनिंग हुआ भी नहीं। नीचे आते टाइम बाइक ईजिली चल गई, जाते टाइम मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था ना, नीचे आते टाइम आराम से आ गए और अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मार्क भाई इस जगह का नाम क्या है? इमंगरे में हम, और यहाँ से अब खाना खा के हम एक दो जगह और हैं जो एक्सप्लोर करने जाएंगे। हाँ शाम हो गई है, लेकिन ऐसी जगह हैं वो जहाँ पे शाम सुबह कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो वो सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। ये भाई बहुत स्पेशल जगह है, और इस वीडियो के साथ मैं बाकी चीज़ें और इंक्लूड नहीं करना चाहता। खतरनाक जगह है यार सच में। मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने मेघालय के अंदर इतनी मस्त जगह होंगी, और मार्क भाई बता रहे हैं कि ऐसी मेघालय के अंदर बहुत सारी जगह हैं। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा डायरेक्टली मार्क भाई से कॉन्टैक्ट करिए। मार्क भाई के जो पेज है बागमारा कैंपर्स, उसकी लिंक, उसका जो फ़ोन नंबर और सब मैंने पहले ही बता दिया था। वन सेकेंड, थैंक यू यार भाई, वेलकम। आज हम खाने वाले हैं स्मोकी पोर्क और साथ में होगी दाल और थोड़े बहुत ऑमलेट। ये भाई खापा स्मोक पोर्क। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो जगह थी और ये जो वीडियो थी आप लोगों को बहुत सही लगी होगी, बहुत मज़े आए होंगे, और सेम ऐसी की ऐसी जगह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। थैंक यू दीदी।